नमस्कार, यहाँलाई सिक्किमको सेरोफेरोमा स्वागत छ। म रोशना सवदिन र दर्शकबिन्द हामी यस गरी छौँ दरा पश्चिम सिक्किम। र विशेष गरिकन आजको यहाँहरूको अगाडि विशेष गरी आउनुको उद्देश्य के रहेको छ भने, जुन पनि यहाँनिर डे 27 to 29 अक्टोबरसम्म जुन पनि यो सिक्किम एन्ड अरुणाचल प्रदेशको एक्सचेन्ज प्रोग्राम रहेको थियो भने, आज विशेष गरी यहाँनिर फाइनल प्रोग्रामहरू रहेको छ। अनि विशेष यहाँनिर हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ अरुणाचलकै जुन पनि एकजना हाम्रो गेस्ट मध्ये उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। वेलकम टु सिक्किमको सेरोफेरो म्याम। थ्याङ्क यू। आपका नेम और डेजिग्नेसन? हाँ, मेरा नाम है छिरिङ डेमा थोङची और मैं WWA रूपा का एक मेम्बर हूँ। और ये जो भी आप लोग ये WWA के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, WWA स्टैंड फॉर वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रूपा और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन इन आवर स्टेट और इट वॉज फॉर्म्ड बाय श्रीमती Tongchin Krime and Srimati Y.D. Thongdok in the early 1980s, but then it was registered in 1989. Aapka experience kaisa raha hai ma'am ye 3 din ke program mein Sikkim mein aakar? Ha, yahan aake bahut kuch sikhne ko mila. Experience to bahut acha raha aur saath mein bahut knowledgeable bhi tha. Yahan aake yahan ka culture, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बाद ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वो सब देखने को मिला और बहुत कुछ अच्छा लगा यहाँ के। और मेन तो यहाँ का जो ज़ीरो वेस्ट है वो सब भी बहुत अच्छा लगा देख के, इतना क्लीनलीनेस है ये स्टेट में। और फिर हाँ, और बहुत कुछ है लेकिन अभी फिर जम ओके मैम, तो अरुणाचल से यहाँ सिक्किम के बीच में वो एक टूरिज्म में सबसे बड़ा अंतर आपको क्या दिखाई दिया? अंतर वही है, क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन। यहाँ में अगर बाहर निकलते तो ऐसे लिटरिंग दिखाई नहीं देते, बहुत साफ सफाई सब कुछ, मतलब खुद औरत ही सब कंपाउंड लोग साफ कर रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल में इतना नहीं है। हम लोग सिर्फ गार्बेज, मतलब गार्बेज डिस्पोज करता है लेकिन खुद नहीं करता है, वो गाड़ी लोग को रुकता है, उन लोग को देता है, ऐसे थोड़ा इसमें थोड़ा बैकवर्ड है हम लोग। और फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी हम लोग थोड़ा वो है, जैसे यहाँ का होम स्टे सब कैसे रन करता है वो सब भी हम खुद यहाँ बैठ के बहुत कुछ देखने को मिला। और यहाँ का हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अकॉर्डिंग टू योर व्यू, ऐसे जो भी एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ऐसे प्रोग्राम में कैसे हाउ इट बेनिफिट्स टू स्टेट्स? बेनिफिशियल तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, आप लोग का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है मेथड वो सीखने को मिल रहा है। और जो लास्ट टाइम एक फर्स्ट डे में हम लोग जो क्या था इंटरेक्शन किया था यहाँ का रिसोर्स पर्सन लोग के साथ, वहाँ उन लोग ने हम लोग को वही फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स लोग कैसे बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स कैसे बनाते हैं, वो सब भी सिखाए, तो वो सब बहुत नॉलेजेबल है। वहाँ पे हम लोग इतना प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स वो सब ही यूज़ करते हैं। और इसके बाद फिर इको टूरिज्म वो सब के बारे में बहुत सीखा। हम लोग का जो WWA है रूपा का, वो बहुत सारा एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग का सोसाइटी के लिए। और उसमें से वो है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट कैंप भी कराते हैं, जहाँ औरतें को स्विंग ट्रेनिंग देता है, टेलरिंग का ट्रेनिंग देता है। और फिर वहाँ पे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का बारे में भी अवेयरनेस वो देते हैं, क्या कहते हैं वो कुछ प्रोग्राम्स लोग कंडक्ट कराते हैं, तो उसके अंदर उन लोग का राइट्स का बारे में बताते हैं, वुमेन राइट्स का बारे में। और उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं वर्कशॉप लगा कराता है, जहाँ उन लोग को वुमेन्स राइट्स का बारे में, एक्ट का बारे में बताता है, पोक्सो एक्ट का बारे में बताता है। और फिर अभी तो WWA का अंदर में हम लोग अभी 12 SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किया है, जिनका नाम हम अभी बताना चाहते हैं, मानचिंग, खमसांग, सुंगखिक, रुंगंग, पेमा छोलिंग, डेमो, जुमुसाओ, जोगर कमचा, मंजुश्री, लेसंग मिंटू, सोची लेमु और ब्लब्सर। और अभी हम लास्टली थैंक यू बोलना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ WWA ये ऑर्गेनाइजिंग टीम लोग को,
उन लोग ने इतना अच्छा 3 days का जो प्रोग्राम रखा, एक्सचेंज प्रोग्राम रखा, और हम लोग को इतना अच्छे से बहुत जहाँ तहाँ घुमाया गांव-गांव में, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस कराया होगा। थैंक यू टू ऑल।